मध्य प्रदेश प्रवास के प्रथम चरण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी खरगोन के घे गांव पहुंचे। 108 कुंडीय महायज्ञ के अवसर पर प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा सभा मंडप का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने भारत माता की महाआरती कर गायत्री परिजनों को संबोधित किया। भारत की जो भूमि रही, इसने सबसे पहले पूरे विश्व को ये चिंतन दिया कि हमारे यहाँ पर यदि किसी को अध्यात्म के क्षेत्र में उतरने की आवश्यकता है तो अध्यात्म के क्षेत्र में उतरने से पहले उसको प्रयोगशाला में प्रयोग करने की आवश्यकता है। और उस प्रयोगशाला का नाम क्या है? परिवार। आपने यदि अपने परिवार के अंदर स्वर्ग को लाकर के दिखा दिया तो आप पूरी धरती पर स्वर्ग को लाकर के दिखा पाने की स्थिति में आ जाते हैं। आपको बता दें कि इस क्षेत्र ने शांति कुंज को कई कर्मठ कार्यकर्ता दिए हैं, जिनके तीन तीन चार चार पीढ़ी युग निर्माण मिशन के कार्यों में पूर्ण मनोयोग से जुटे हुए हैं। आगामी कार्यक्रम हेतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी खरगोन जिले के धूलकोट पहुंचे। यहां सुदूर अंचल में चल रहे 24 कुंडीय यज्ञ एवं नारी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने गायत्री परिवार के परिजनों एवं आदिवासी भाई बहनों को संबोधित किया। साथ ही वे रूप सिंह बाबा के गाँव पहुंचे और परिजनों से भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। अगले क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी खरगोन जिले के बिष्टान, रणगांव, कसरावद एवं धार जिले के धर्मपुरी, मनावर, सिंघाना के प्रज्ञा संस्थानों में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय परिजनों कार्यकर्ताओं से भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने गायत्री परिवार कसरावद द्वारा पहाड़ी पर हुए वृक्षारोपण कार्यों की प्रशंसा की। अपने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी धार जिले के खंडवा, कुक्षी, डेहरी, उमरी, गंधवानी स्थित विभिन्न गायत्री संस्थानों पर पहुंचे और उन्होंने गायत्री परिजनों से भेंट की। परिजन शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि को अपने बीच पाकर गदगद हुए एवं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का मार्गदर्शन पाकर मिशन के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हुए। अपने मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति एवं शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इंदौर पहुंचे। परिजनों ने आत्मीय स्वागत किया, फिर वे गायत्री चेतना केंद्र में पहुंचे, माता की आरती की और मां गायत्री का पूजन कर वृक्षारोपण किया। तत्पश्चात वे अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वावधान में शिक्षा आंदोलन के अंतर्गत चल रहे प्रांतीय शिक्षा आंदोलन के सशक्तिकरण कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए प्राचार्यों, शिक्षकों को सम्मानित किया, शिक्षकों को उनके गौरव गरिमा की याद दिलाई और भारत के कर्णधारों को विकसित करने के लिए अपना 100% योगदान देने के लिए आह्वान किया। इस अवसर पर गायत्री परिवार इंदौर के सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अब आप शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है Google Play Store एवं Apple Store पर भी।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।